Hello, guys. Welcome back to my channel, Bhartiye, which is actually the thing from Nifty and Banknifty. कहाँ पर momentum करेगी, किस point पर buy and sell के लिए plan करना. अगर market का अपने gap up हो तो क्या करें, gap down हो तो क्या करें. अगर market flat open होती है तो किस chart momentum करेगी, इन सारे topic पर हम लोग in detail में discussion करने वाले हैं. आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी होगी. आज यहाँ पर देखेंगे तो मंथली एक्सपायरी में मार्केट यहाँ पर जो बैंक निफ्टी वो गैप डाउन ओपन हुआ. 49,000 का लेवल जो पहले सपोर्ट था अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, इसके नीचे डायरेक्ट ओपन हुआ. इसकी ओपनिंग 48,770 के समथिंग हुआ, फिर इसको रिटेस्टिंग करने गया और यहाँ पर देखेंगे तो एक रेड कैंडल क्लोज किया और ये लोअर लो फॉर्मेशन बना करके डाउन साइड में मूव किया. जो हमारा ट्रेड ऑफ प्लान है 49,000 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाया, जैसे ही इसने 700-750 का लेवल ब्रेक डाउन किया था तो डाउन साइड में मूव कर गया है. 400 का भी डे एंड तक लो लगाया, लेकिन इस बीच में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रेंज बना हुआ है ये 10-15 से जो रेंज बनाना स्टार्ट किया, इसने 2-2:15 तक लगभग 2 बजे तक ए रेंज में ही ट्रेड किया है. तो लगभग 2 से 3 घंटे तक एक ही रेंज में ट्रेड किया. तो इस रेंज में ट्रेड करने की वजह से हमारा प्रीमियम बहुत ज्यादा फास्ट डिके हुआ और यहाँ पर देखेंगे तो फिर बाद में इसने 2 बजे के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम भी किया. यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट यहाँ पर 150-180 पॉइंट का मूव किया, फिर यहाँ पर करके क्लोज अपर साइड में किया. मोमेंटम तो थी लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्लो मूव थी. मॉर्निंग यहाँ पर थोड़ा सा मूव किया, फिर साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा मूव किया और फिर यहाँ पर रिवर्स कर गया. मोमेंटम तो रहा लेकिन बहुत ही स्लो मूव किया, वन फ्लो में मोमेंटम नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम बहुत ही फास्ट डिके हुआ. अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, 49,000 अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया. ये 500 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट था, 48,500 का इसने 400 को इसने सपोर्ट बनाया, ऊपर साइड में मूव कर गया. अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपन हो, 500 के नीचे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, फिर इसके लो का ब्रेक डाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे. इसका टारगेट इधर निकल के आ रही है 48,100 के पास में, 400 पॉइंट इसका 48,100 के लेवल, 400-500 पॉइंट इधर डाउन साइड में स्पेस है. अगर यहाँ पर 500 के नीचे रेड कैंडल क्लोज किया तो डाउन साइड में मूव कर जाएगा. बाइंग के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो एक 48,700 के पास में इसने कम्प्लीटली एक रेंज क्रिएट किया. अगर इसके ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करती है, हायर फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करती है 48,700 के ऊपर, तो इसमें हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं हायर फॉर्मेशन बनाने के बाद. टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, 49,000 के आसपास तक में होना चाहिए फ्लैट ओपन हो तो. अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है, सपोर्ट यहाँ पर 200-300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होगी, यानी कि 48,000-48,800-900 ये सारे जोन में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर प्राइस एक्शन हमें देखना है. क्या देखना है, बस एक 15 मिनट का रेड कैंडल मिलनी चाहिए, उसके लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए. जैसे यहाँ पर देखेंगे एक रेड कैंडल बनाया, इस पर भी एक ट्रेड हमें मिला और फिर यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बनाने की बात भी, यानी कि एम पैटर्न यहाँ पर बनाने के बाद भी एक ट्रेड मिला. सेम यहाँ पर सेंटिमेंट होना चाहिए, गैप अप ओपनिंग हुआ, एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए, रेड कैंडल के लो का ब्रेक डाउन करेगा, सेल करेंगे. आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ तक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए या फिर लोअर लो फॉर्मेशन बनना चाहिए इस तरीके से, तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं. अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोर्ट डेट ए 48,300-200 ये सारे जोन में अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन लेवल कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है. तो यहाँ पर भी हमें प्राइस एक्शन के लिए देखना है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग में कल प्रॉफिट के लिए प्लान नहीं करना है, हमें देखना है सेलिंग के प्राइस एक्शन बने, इसके बाद सेल के लिए प्लान करना है. फ्लैट ओपनिंग में 700 के ऊपर अगर होल्ड करना स्टार्ट करती है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, गैप अप ओपनिंग हो गैप डाउन ओपनिंग हो हमें सेल के लिए प्लान करना है, उसके लिए सेलिंग के लिए प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, इसके बाद ही सेल के लिए ट्रेड कर सकते हैं. आई थिंक ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे. यहां पर देखेंगे तो ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस बन चुका है 23,000 का लेवल. यहाँ पर आज गैप डाउन ओपन हुआ 22,800 के समथिंग. हमारा ट्रेड ऑफ प्लान 850 के नीचे था, इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाने के बाद हम लोग सेल कर सकते हैं 22,600-550 ये हमारा सपोर्ट जोन था. यहाँ पर देखेंगे मार्केट
गैप डाउन ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बनाया, लो का ब्रेक डाउन किया, सेलिंग में आ गया और यहाँ पर फिर अगेन उछाल लिया, फिर डाउन साइड में मूव कर गया। अभी ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, फ्लैट ओपन हो, डे लो को ब्रेक करे, क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करना है, बस ब्रेक करे हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 600, नेक्स्ट यहाँ पर 22,550 का होना चाहिए। बाइंग के लिए कहाँ पे प्लान करेंगे, 850 के ऊपर हायर है फॉर्मेशन बनाएगा तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर 22,550 के रेंज में यहाँ पर एक डब्लू फॉर्मेशन क्रिएट करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस जोन से एक बड़ा बाइंग हैपनिंग हुई है। अगर अगेन इस पॉइंट पर मार्केट आ करके या तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा डायरेक्ट इस सारी जोन में और डब्लू पैटर्न बनाएगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, या फिर मोमेंटम के बाद इस सारी जोन में डब्लू फॉर्मेशन हायर हाई फॉर्मेशन बनाती है या फिर कोई भी बाइंग का प्राइस सेक्शन बनाती है तो फिर हम लोग बाइंग के लिए 22,550 के लेवल से सोचेंगे। इस जोन पर भी बाइंग के लिए नहीं सोचना है, फ्लैट ओपन हो, डे लो को ब्रेक डाउन करे, सेल करना है। बाइंग या तो 850 के ऊपर हायर है फॉर्मेशन बनाने के बाद आएगी या फिर थोड़ा और डीप करेक्शन के बाद से एक साइकोलॉजी लेवल के पास से 22,550 के रेंज से डब्लू फॉर्मेशन बनाएगा तो फिर बाइंग के लिए जा सकता है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल एंड जय हिंद।